नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आएंगे अनार की खेती से संबंधित एक और वीडियो लेकर। तो देख सकते हो अनार के फूल सेटिंग होने शुरू हो चुके हैं। तो जिस भी किसान भाइयों के अनार पे फूल सेटिंग नहीं हो रहे हैं या फूल गिरने की समस्या है, तो उनके लिए ये खासकर वीडियो बनाया है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। तो किसान भैया आइए बढ़ते हैं आगे। तो इस अनार फार्म में बहुत से फूल आए हुए हैं और फूल क्या है, बरसात हो रही है ज़्यादा, तो इस कारण फूल तो स्वाभाविक है गिरना। तो बरसात हो रही है तो आप उसमें फूल गिरेंगे ही, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी बगीचा में गिरते हैं, ये कोई आप अकेलों के नहीं गिरते हैं। तो अब थोड़ा मौसम साफ है तो फंगीसाइड का हम स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे में कौन सी दवाई लेनी है और कितनी लेनी है उसकी हम मात्रा बताएंगे। ये फंगीसाइड का M45 है, जिसे M45 बोलते हैं, और ये मैजिक फ्लावर जिससे फूल गिरना बंद होंगे, ये आपको एक ड्रम में 1 लीटर मिलाना है और फंगीसाइड एक ड्रम में 1 किलोग्राम मिलाना है 200 लीटर पानी में। तो देख सकते हैं ये किसान भाई के ट्रैक्टर पर की हुई है सेट मशीन, जो पुली द्वारा ऊपर इसमें यहाँ फिटिंग कर रखी है, तो इससे ये चलती हैं। तो अब क्या है कि ये वाल वगैरह जोड़ना है, तो इसलिए अभी जोड़ने के पश्चात करेंगे स्टार्ट। तो ये देख सकते हो ये अनार फार्म बहुत से फूलों से लदा हुआ पौधा है और 10% ही फूल है जो गिर रहे हैं। फिर भी किसान भाई को टेंशन है कि बहुत फूल गिर रहे हैं, तो ये फालतू में छिड़काव कर रहे हैं। मैंने तो मना किया था छिड़काव नहीं करें, फिर भी कर रहे हैं, तो ये इनकी मर्जी है। मैं तो कहूँगा भाई 10% गिर रहे हैं तो फूलों में उसमें फिर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो ये देख सकते हो पौधा पौधा के नीचे खरपतवार आप निकाल दिया है और इससे आगे प्रत्येक पौधे के बहुत फूल लगे हुए हैं, करीबन 200 से 300। ये तो इसकी टहनी बाहर नहीं सहन पाएगी, मेरे हिसाब से बहुत फूल आए हुए हैं। तो अभी इसमें स्प्रे करेंगे, ये स्प्रे वाला वीडियो पे हम आगे ज़रूर बताएंगे। देख सकते हो अनार फार्म का व्यू, और मैंने अनार से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। तो अब आप चाहो तो चैनल में जाकर पूरी वीडियो देख सकते हो। अनार से संबंधित आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें ज़रूर प्रेषित करावे, और आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो ज़रूर कमेंट करें, हम हर संभव आपकी मदद करेंगे। तो साथियों देख सकते हो ये इसकी ड्रिप नली, नहीं वो स्प्रे करने की नली है, उसका ये नोजल यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से स्प्रे करना स्टार्ट करना है। तो ये नली और नोजल सब अभी नया ही लाया है, और मशीन से संबंधित भी आपको जानकारी पूछनी है तो भी पूछ सकते हो। अभी पहला स्प्रे करना, अभी मिस्त्री आने वाला है, वो उसमें वॉइसर सेट करके अभी क्या लीकेज हो रहा था, तो वो लीकेज बंद करने के बाद फिर इसमें स्प्रे करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।